लखनऊ में 22 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में 6 आईजी और 5 डीआईजी के तबादले कर दिए गए हैं। 22 आईपीएस अफसरों का ये तबादला हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में 6 आईजी और 5 डीआईजी इनके तबादले कर दिए गए हैं। प्रदेश में इस तरह 7 जिलों के कप्तान भी बदल दिए गए हैं। 7 जिलों के ये कप्तान हैं जिनको बदल दिया गया है। आईपीएस आलोक सिंह को आईजी मेरठ बना दिया गया है। इसके अलावा मोहित अग्रवाल जो कि आईपीएस हैं उन्हें आईजी कानपुर भेज दिया गया है। इसके अलावा आईपीएस कविंद्र प्रताप सिंह आईजी इलाहाबाद बने हैं। इस तरह से ये तबादले किए गए हैं। इन तबादलों में फेरबदल देखने को मिल रहा है। आईपीएस एस सतीश गणेश आईजी आगरा बने हैं, उन्हें इस पद को दिया गया है। इसके अलावा आईपीएस शरद सचान आईजी पीएससी लखनऊ बने हैं। बात की जाए आईपीएस रामकुमार की तो आईजी पीएससी मध्य जोन के बना दिए गए हैं। इस तरह ये तबादले कर दिए गए हैं। आईपीएस उपेंद्र कुमार अग्रवाल डीआईजी सहारनपुर के बनाए गए हैं, तो वहीं डीआईजी चित्रकूट में आईपीएस दीपक कुमार को ये पद सौंपा गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आईएएस और पीसीएस अफसरों की लिस्ट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। इन तबादलों को देखने को मिल रहा है। आईपीएस अधिकारियों के ये तबादले किए जा रहे हैं। 22 आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके तबादले किए गए हैं।